conduct Kulbhushan Jadhav, number 4155 Julu. I am a serving officer of the Indian Navy. भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया. इंडियन हाई कमीशन है या पाकिस्तान में तखरीबकारी का अड्डा, सिफारती इकदार को पामाल करते हुए इंडियन हाई कमीशन दहशत गर्दों की पनाहगाह बन गया. पाकिस्तान मुखालिफ तमाम सरगर्मियों के ताने बाने यहीं से मिलने लगे. कुलभूषण यादव किसको याद नहीं जो पाक चीन राहदारी के खिलाफ पूरे नेटवर्क को चला रहा था. My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, anti-terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. कुलभूषण तो खैर सिफारती वीजे पर नहीं आया था, लेकिन भारत ने सिफारतकारी जैसे मुकद्दस महकमे को भी नहीं बख्शा. पहले सरजीत सिंह पकड़ा गया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस था. उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो कमर्शियल काउंसलर के भेस में छुपे रॉ के अफसर राजेश कुमार अग्निहोत्री की असलियत भी सामने आ गई. सिक्योरिटी जराये के मुताबिक राजेश कुमार तकरीबी कार्रवाइयों का नेटवर्क चलाता है. यही नहीं, भारतीय फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस फॉर इन्फॉर्मेशन दरअसल इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर बलबीर सिंह है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कारिंदों के जरिए तकरीबकारी करता है. पाकिस्तान से निकाला गया सरजीत सिंह भी बलबीर सिंह के जेर निगरानी काम कर रहा था. सरजीत सिंह ने अब्दुल हफीज के नाम से जाली विजिटिंग कार्ड बना रखा था. इंडियन हाई कमीशन के कई सिफारतकार रॉ और आईबी से वाबस्ता हैं, जो पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों के लिए मुतहरिक रहते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ. अहले वतन को सिफारत की आड़ में इंतशार का बीज बोने वाले दो और भारतीय एजेंट्स की नकाब कुशाई मुबारक हो. ये वो जहरीला खंजर था जो न जाने कब से हमारी शहरत के नजदीक ही कहीं मौजूद था. नकाब कुशाई की ये खबर लाख इत्मीनान बख्श सही, मगर अभी न जाने कितने ही भारतीय तनख्वाहदार और उनके सहूलतकार किस किस रूप में मादरे वतन को खोखला करने में मगन हैं. काश कोई गिरफ्त कभी तो उन बहरूपियों पर भी की जाए. दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जकरिया ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में 8 रुकनी इंटेलिजेंस गैंग काम कर रहा था. रॉ की गैंग की सरबराही राजेश कुमार अग्निहोत्री, जबकि इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के गैंग की सरबराही बलबीर सिंह कर रहा था. इस गैंग का मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देना, सी पैक मनसूबे को सबोताज करना और पाक अफगान ताल्लुकात को खराब करना था. कश्मीर कोस को नुकसान पहुंचाना और तहरीक तालिबान के धड़ों की सरपरस्ती करना भी इनके मकासद में शामिल था. एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान सिफारतकारों को हरासा या गिरफ्तार नहीं करता. भारत की तरफ से पाकिस्तान के 6 सिफारत को हरासा करने की मजम्मत की गई. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एलओसी पर भारतीय अफवाज की फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके भारत शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है. गुज़श्ता 4 माह से कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत से बामाने और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहता है. चंद रोज कबल भारत से एक तरफा दोस्ती का सूर फूकने वालों को उस वक्त एक और हजीमत उठानी पड़ी जब पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन से वाबस्ता दो भारतीय एजेंटों कमर्शियल काउंसिलर राजेश कुमार अग्निहोत्री और फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बलबीर सिंह पर मुश्तमिल एक और नेटवर्क को बेनकाब कर दिया. याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय हाई कमीशन से चलाए जाने वाले इस पाकिस्तान मुखालिफ रैकेट के अहम कारिंदे सरजीत सिंह को पहले ही नापसंदीदा सरगर्मियों की पादाश में मुल्क बदर किया जा चुका है. दफ्तर खारजा के सीनियर अफसर ने पाकिस्तान में भारतीय जासूसी नेटवर्क की तफसीलात जाहिर कर दी. उनका कहना था कि भारतीय सफारतकारों के जासूसी नेटवर्क पर 3 माह से नजर थी. भारत को खामोशी से इन सफारतकारों की गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का कहा गया था. उन्होंने बताया कि भारतीय हुकूमत ने मंगल को पाकिस्तानी सफारतखाने के 6 अफसरान को हिरासत किया. मीडिया पर उनकी तस्वीर और शनाख्त नशर की गई जिससे उनकी जिंदगी खतरे में डाली गई. इसी वजह से इन तमाम सफारती अहलकारों को वतन वापस बुलाना पड़ा. उन्होंने कहा कि भारत के जासूस अमले के खिलाफ क्या कार्रवाई करना है इस पर मशावरत हो रही है. दूसरी जानिब पाकिस्तानी सफारत खाने के 6 अफसरान वतन वापस पहुंच गए हैं. सीनियर अहलकार का कहना है कि भारतीय अहलकार मुसलसल वियना कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं. शर्म तुमको मगर नहीं आती, और आए भी कैसे, कौमियत जो भारतीय ठहरी.
لیکن اس صورتحال کا سب سے دلچسپ مگر افسوسناک پہلو ان روشن خیال دانشوروں، تبصرہ نگاروں اور یہاں تک کہ اینکران کرام کی مجرمانہ خاموشی ٹھہری، جو قومی مفاد سے متصادم معاملات پر لبکشائی میں تو ایک لمحہ غفلت برتنے کے قائل نہیں، مگر جب بات ہو بھارتی مذمت کی تو جیسے انہیں سانپ سونگ جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی و تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے۔ بخاری صاحب، آزادی اظہار کے ان مقامی ٹھیکیداروں کی ملامت کن الفاظ میں کی جائے کہ مذمت کا حق ادا ہو جائے، جو نمک تو پاکستانی کھاتے ہیں مگر نمک حلالی کرتے ہیں بھارت کی؟ میرے خیال سے اس کے لیے کوئی گالی ابھی ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ یہ آتے ہیں اس زمرے میں جنہیں وطن فروش کہتے ہیں، کہ آپ کسی دھرتی کے ثبوت ہیں، آپ کسی دھرتی کا نمک کھاتے ہیں، کسی دھرتی کے پنپتے ہیں اور گیت گاتے ہیں آپ اس کے جو آپ کا دشمن نمبر ون ہے۔ یہ میری تو سمجھ میں آج انویسٹر یہ نہیں آیا کہ یہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے کا حق کیسے رکھتے ہیں۔ ان کو تو پاکستانی کہنا میرے خیال سے پاکستان کی بھی توہین ہے اور پاکستانی قوم کی بھی توہین ہے، اور یہ کوئی کم تعداد میں نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے جو ضمیر فروش لوگ ہیں جن کے نزدیک وطن کی محبت، وطن کی مٹی سے پیار، یہ کوئی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ان لوگوں کا تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی منہ بد ذائقہ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے ان کے اوپر تو جتنا بھی تبرع کیا جائے، جتنی بھی لان تان ان کو کی جائے، وہ سب کم ہے۔ اس کے لیے الفاظ ایجاد نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ قابل نفرت اس لیے ہیں کہ وہ اپنے وطن سے، اگر وطن کی سرزمین سے، اگر وطن کے مفاد سے نہیں جڑے ہیں اور دشمن کی سروس پہ لگے ہیں، دشمن کا مفاد جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو میں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں؟ میری تو وکیبلری جو ہے وہ چھوٹی پڑ جاتی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شائستہ تبسم، ماہر بین الاقوامی امور۔ شائستہ صاحبہ، بھارتی انٹیلیجنس یا را کے لیے کام کرنے والے پکڑے جائیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، مگر جب مودی دوستی کی مالا جپتا ہوا لاہور ایئرپورٹ پر اتر آئے تو ہماری نام نہاد سول سوسائٹی بھارت سے یک طرفہ دوستی کے دل خراش ترانوں سے آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ اس منافقت پر آپ کیا فرمائیں گی؟ بس یہ تو ہمارے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو سول سوسائٹی اور ایک لبرٹی کا ایک ڈیلیما ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ڈبل اسٹینڈرڈ رکھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کیوں یہاں کی سول سوسائٹی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کلچرڈ سمجھتی ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ بھارت کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے تو اس میں وہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت نیشنل انٹرسٹ کو اہمیت دی جائے۔ اور میرے خیال ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دی گئی ہے۔ یعنی جو آپ کا ملکی مفاد ہے، اور خاص طور پہ ایسا سیریس معاملہ جس میں ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک پکڑا گیا، اور وہ بھی ایک طرح کا بہت خطرناک لیول کا ہے کیونکہ اس میں ڈپلومیٹک مشن کے لوگ انوالو ہیں، اس سے تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ آفیشیل لیول پہ بلکہ ان آفیشیل لیول پہ بھی اس کو وائڈلی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہمارے انٹیلیجنسیا کے رویے کو دیکھ کے تو اسے بالکل خاموشی ہو جاتی ہے اور اس معاملے کو ایک طرح سے نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی اہم ایشو ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی افیکٹ ہوگی تو ظاہر ہے ہماری اپنی سیکیورٹی بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو مگر کیا کیا جائے، یہ ڈیفینیشن چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، شاید اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب۔ غضنفر صاحب، پاکستان میں رہ کر پاکستان دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہنے والے انڈین ایجنٹس کی یادگار جب تعمیر ہوگی تب ہوگی، مگر اس وقت تک مختلف بین الاقوامی فورمز پر ان غداروں کے اقبالی بیانات اور اس حوالے سے یادداشتیں یا ڈوزیئر بھجوا کر بھارت کو رسوا کرنے میں کیا امر مانے ہیں؟ کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے، لیکن اس میں ڈیٹرمینیشن چاہیے اور ویژن چاہیے، اور یہ فیل کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر کی جو آپ کے جو پرتنیدھی ہیں، جو آپ کے جو اختیار، آپ کے جو اپنا سیکرٹس ہیں، آپ کی جو نیشنل سیکرٹس ہیں ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو جاسوس کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ نہ صرف سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹیررزم میں انوالو ہوتے ہیں، بلکہ وہ نیشنل سیکرٹی اور آپ کے نیشنل جو قومی راز ہیں ان کو بھی چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی قومی راز چرانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ باقی دنیا کے باقی ممالک میں دیکھ لیجیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ انٹرنیشنل قوانین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے، اور اس کو دنیا میں اٹھانا اور صحیح فورم پہ لے کے جانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے
अपना इतनाब बरतते रहेंगे और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे और कलमोशन को छुपा के रखेंगे, उसके हिसाब से कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे या दुनिया को नहीं बताएंगे, तो दुनिया तो आपसे आके नहीं पूछेगी। ये तो हमारे यहाँ जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, तो इस किस्म के जो नेटवर्क जब अनर्थ हो जाते हैं उनको पकड़ना जो है वो एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस वक्त वो अनर्थ हो जाते हैं, जिस वक्त उनका पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान की सेहत ज्यादा के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उसको बिना सिर्फ ये कि बैन अवी सतह पर उठाना बल्कि उस हिसाब से दूसरे मुल्क से उसी उन्हीं चीजों के मुतालिक अपने ताल्लुक रखना, ये तो जो भी हुकूमत हो उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, क्योंकि पार्टी की से अफिलियट होना तो आपकी बुनियादी इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन नेशनल पैरामीटर्स और नेशनल रिक्वायर्ड से अटैच होना और उनकी प्रोटेक्शन करना वो जो भी हुकूमत हो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा और अभी तक कलभूषण का मामला भी दबाया गया, अब ये 8 और लोग पकड़ लिए गए, तो आप इसमें किसी बाहर वाले को तो ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो फिर जिम्मेदारी जो है सारी की सारी जो है वो हुकूमत के ऊपर ही जाके पड़ती है, वो क्यों इन चीजों से नजरअंदाज कर रही है, क्यों इनको सही फोरम पे नहीं लेके जा रही है, और अगर डोजियर जमा कराती है तो उसको परसू क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि एक दफा जमा कराने से काम नहीं होता, उसको बार बार आपको सही फोरम पे उठाना पड़ता है। और इसके हिसाब से आपको जो जो मुल्क पाकिस्तान में इस किस्म की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है उससे ताल्लुकात भी इन्हीं चीजों के सामने रखे जाए वो कायम किए जाते हैं। अगर हम इन चीज को सामने नहीं रखेंगे तो वो ताल्लुकात अनरियलिस्टिक होंगे और आवाम के मफाद में नहीं होंगे। और अब कुछ जिक्र मुशीर इतराज सिंध मौला बख्श चांडियों के उस मुतालबे का, जो अगरचे मुख्तलिफ हलकों की जानिब से किया तो एक तवील अरसे से जा रहा है, मगर बदकिस्मती से हुकूमत वक्त इस हवाले से मुकम्मल तौर पर गाफिल दिखाई देती है। और वो मुतालबा है कुल वक्ती वजीर खारजा के तकरर का। गुज़िश्ता दिनों सिंध के मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडियों ने एक के बाद एक बेनकाब होने वाले भारतीय जासूसी नेटवर्क्स के मामले पर लगकुशाई करते हुए विफाकी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी कर डाली। उनका कहना था कि एक तरफ हमारे दुश्मन हमारी कौमी सलामती के दरपे हैं और दूसरी जानब विफाकी हुकूमत की बेखबरी का आलम यह है कि भारतीय साजिशों का जवाब देना तो दरकिनार, हम कुल वक्ती वजीर खारजा की तैनाती तक से कासिर हैं। मुतालबा अगरचे कुछ नया नहीं, तहम इसकी टाइमिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि वजीर खारजा का तकर्रुर 100% वजीर आजम का इस्तेहकाक है और मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब यकीनन अपने तौर पर भारतीय अजायम की सरकूबी के लिए कोशामी रहते होंगे। तहम इसके बावजूद कुल वक्ती वजीर खारजा के तकर्रुर के फवायद किसी भी एतबार से रद्द नहीं किए जा सकते। शाइस्ता साहिबा, मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों साहब की जानिब से कुल वक्ती वजीर खारजा के तकर्रुर के इस मुतालबे को आप किस नजर से देखती हैं? क्या हर्ज है अगर कौमी मफाद की खातिर ही सही मगर अपोजिशन रहनुमा के इस जायज मुतालबे को सुनवाई बख्श दी जाए? ये मामला तो ऐसे हैं कि इसमें कुल एडवोकेजम को खत्म करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस जगह पे भी एडवोकेजम आया है वहाँ पे कोई भी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं रही है। तो हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी के लिए खास तौर पे देखिए इस वक्त जो मामलात हैं, न सिर्फ के डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि पाकिस्तान के जो नेबर्स के साथ मामलात हैं वो भी इंतहाई नाजुक मोड़ पे हैं। तो उस ऐसे वक्त में एडवोकेजम तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हम ये वक्ती और थोड़ी देर के लिए प्रोविजनल कोई सेटअप किया जाए, मेरे ख्याल है कि जो भी मामला चल रहे हैं उनको उसी तरह चलने दिया जाए, बल्कि जो मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हाथ मजबूत करके और उनके काम कराया जाए बजाय इसके कि कोई चेंज लाया जाए। और चेंज लाने में भी देखिए वो जो चेंज आता है वो भी थोड़े वक्त के लिए होता है, तो वो ना पॉलिसीज के ऊपर अपनी नजर रख पाते और ना ही वो सही तरीके से काम करते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनके थोड़े दिन के बाद जाना है। तो मेरे ख्याल है कि हमें हर लेवल पे इस एडवोकेजम को डिस्करेज करने की बहुत सख्त जरूरत है। बुखारी साहब, पाकिस्तानी मीडिया आजादी इजहार के नाम पर तो बहुत उछल कूद करता है, जिन मामलात पर किसी महज़ब मुल्क में बात नहीं की जा सकती उन उमूर पर पूरे पूरे प्रोग्राम्स कर दिए जाते हैं, मगर कुल वक्ती वजीर खारजा के तकरर के मुतालबे को मीडिया की वो ताईद हासिल नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, इस पर आप क्या फरमाएंगे? ये भी फिर दूसरी एक तकलीफ की बात है कि ऐसे फरूही मामलात जिनका कोई ताल्लुक नहीं है न पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से, न पाकिस्तान की सॉलिडरिटी से, न इसकी सलामती से, उन इश्यूज को लेके सुबह से शाम तक बैठ बैठ के गला फाड़ फाड़ के लोग बोलते रहते हैं, और जिन इश्यूज पर बात होनी चाहिए, जैसा आपने हवाला दिया कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर
फुल टाइम होना चाहिए, ये जरूरत है इसलिए कि हम एटॉमिक पावर हैं, ये जरूरत है इसलिए कि हम सी पैक जैसे मंसूबे पर अमल करने ही नहीं जा रहे बल्कि उसकी तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम भी हासिल करना है, जिसे दुनिया में लोगों उन अकवाम के साथ इंटरेक्ट करना है जो इस अहद की डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसलिए कि ग्वादर जोड़ देगा पाकिस्तान को इन तमाम मुल्कों से, पूरे अरब वर्ल्ड से, पूरी गल्फ से, पूरे यूरोप से, पूरे अमेरिका से। तो ऐसी सूरत में तो हमारे पास एक ऐसी कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए जो इस पूरे सिनारियों को हैंडल करने की काबिलियत रखती हो। इन इश्यूज पर कोई बात नहीं कर रहा है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और फ्लू ही मामला जात और खासतौर से जैसा पहले जिक्र हो रहा था कि दूसरे मुल्क की और खासतौर से दुश्मन मुल्क की यहाँ पर प्रोजेक्शन की जाती है, मिसालें दे दे के साबित किया जाता है कि वो हमसे बेहतर हैं, वो हमसे किसी मामले में बेहतर नहीं है। कश्मीर में जो कुछ वो कर रहे हैं वो काबिल नफरत भी है, काबिल मजम्मत भी है, और उसको लेके आप चले तो 30 के करीब वहां इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स चल रही है। खालिस्तान में उन्होंने क्या किया था सबके सामने है, टैमल्स के साथ उन्होंने श्रीलंका में क्या किया वो सबके सामने है, लेकिन उनके तराने गाने वाले लोग जो हैं उन्हें तो पाकिस्तानी होने का कोई हक नहीं है। मेरे ख्याल से आपने सही सिमत में इशारा किया कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम लोग सही सिमत में जो सही इश्यूज हैं उनको लेके आगे चलें, तभी पाकिस्तान का मीडिया अपना वो रोल अदा कर पाएगा जिसके लिए इसको इतनी वसत मिली है। ब्रिगेडियर साहब, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मामले पर हिमायत हासिल करने के लिए मोदी महाराज हफ्तों अपनी पूरी टीम के हमरा दुनिया भर के दौरे फरमाते रहे, जबकि हमारे मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब की कोशिशें महज कुछ टेलीफोन कॉल्स तक ही महदूद रहीं। अगर हमारे पास भी कोई जवां साल और कुल वक्ती वजीर खारजा होता तो क्या कुलभूषण के मामले पर, दीगर अहम तरीन मामलात पर आपके ख्याल में भारत को जेर नहीं किया जा सकता था? आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया और मेरा भी यही जवाब है जो आप कह रहे हैं कि हमारी बुनियादी पाकिस्तान को इस पर जो आप चीज फेस कर रहे हैं वो क्या है, वो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, कि हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, और उसके साथ साथ आपने देखा दिफा के मामला, लेकिन क्या दोनों मिनिस्ट्री में फुल टाइम वजीर मौजूद है? नहीं मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद है कि हम वो जो हमारे यहाँ एक साइकी है पर्सनल पावर की, जाती ताकत की, हर चीज को अपने अंगूठे के नीचे रखने, जानते हुए कि आपने काबिलियत नहीं है इस चीज को करने की, जानते हुए कि आपका विजन इतना ब्रॉड नहीं है कि आप इन कामों को कर सके, जानते हुए कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं समझते, नेशनल रिलेशंस, नेशनल इंपेरेटिव्स को भी नहीं समझते, इंटरनेशनल रिलेशन तो दूर की बात है। तो अगर उन तमाम चीजों को आप अपने अंगूठे के नीचे रखेंगे तो वो तो पाकिस्तान के जो जरूरियात हैं बैनी मामला में इतफा के मामला में वो तो हमसे खिलवाड़ करने की कोशिश है ना, तो इसीलिए तो हम पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जो है उस चेंज कर नहीं सक रहे लोग। इसमें कोई शक नहीं कि कौमी सलामती के तहफ्फुज के लिए कुछ इदारों का किरदार इंतहाई जिम्मेदाराना और काबिले सताइश है, ताहम इस सूरतेहाल में मजीद बेहतरी की गुंजाइश के इम्कान को किसी भी तरह रद्द नहीं किया जा सकता। राविया ने रवायत इस बात पर पूरी तरह मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि भारत की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की सरकूबी का ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक अर्ज वतन पर मौजूद भारत के शहदाइयों या बालफाज दीगर सहूलतकारों को भी कानून के सामने जवाबदेह न बना दिया जाए। आए दिन टेलीविजन चैनल्स पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से भारतीय साख्ता असलहे की बरामदगी की खबरें नशर हुआ करती हैं, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे अनवाउ इकसाम के हथियार बरामद करते दिखाई देते हैं, मगर बदकिस्मती से आज तक ये निगाहें मुंतजर हैं उस एक लम्हे एहतसाब की जब इन हथियारों को मुल्क में लाने, उन्हें तकसीम करने और इस्तेमाल करने वालों के साथ साथ इन पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों के असल सरपरस्तों को, ख्वा वो किसी भी बहरूप किसी भी चोले में हो, करार वाकई सजाएं देकर निशाने इब्रत बना दिया जाए। ब्रिगेडियर साहब, महज दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लेना मुल्क में दायमी अमन के कयाम का मुहर्रिक कैसे हो सकता है जब तक इन दहशतगर्दों के असल सरपरस्तों और सहूलतकारों पर हाथ न डाल दिया जाए? छोटे तो ऑपरेटिव होते हैं ना, चलाने वाले तो उनके बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, बहुत सारे मगरमच्छ हैं, उनकी जमानतें भी अब हो रही हैं, हम खिलवाड़ कर रहे हैं पूरे पूरे सिस्टम से, मतलब कोई कमिटमेंट, कोई डिटर्मिनेशन, कोई विजन नजर नहीं आता है। अब ये चीजें जो ऑपरेटर है उसको तो आप एलिमिनेट कर देंगे,
लेकिन जो ऊपर फैसिलिटेटर बैठा है या प्रोटेक्टर बैठा है, दस और भर्ती कर लेकर पैसे के लिए, तो लोग कोई भी काम करने को तैयार होते हैं। तो जरूरत है कि आप उन तमाम लोगों के बाहर डालें जो उस नेट का हिस्सा है, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं। और अगर ये मैरिट के ऊपर काम होगा और डिस्क्रिमिनेशन के बगैर होगा, तभी दायमी अमन कायम हो सकता है। अदरवाइज तो ये वाकया जो कराची में हो रहे हैं या बाकी इलाकों में हो रहे हैं वो होते रहेंगे। बुखारी साहब, आपके ख्याल में अगर मुल्क दुश्मन कुव्वतों की हौसला शिकनी के लिए वतन परस्त अनासिर की हौसला अफजाई का रवैया अख्तियार किया जाए तो क्या इस अमल के मुस्बत नतायज हासिल नहीं किए जा सकते? 100% मुस्बत नतायज मिल सकते हैं। आपने सही इशू को पकड़ा है कि अगर वो जो वतन परस्त हैं, वो जो वतन से प्यार रखते हैं, अगर वो आगे बढ़े और ये जो वतन फरोश है, ये जो वतन दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इनका इहाता करें, इनका घेराव करें, तो कोई वजह नहीं है कि वो नतायज हम अखज ना कर पाए जिनके लिए आप बात कर रहे हैं। लेकिन असल मसला वही है कि हु विल बेल द कैट, ये बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से आपने आज इसके ऊपर बात की है, अगर वतन दोस्त, वतन प्रस्त, वतन से प्यार करने वाले एलिमेंट्स जो मीडिया में है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां वो मिलके आवाज में आवाज मिला के अगर ऊंची आवाज से बात करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, अवाम में तो उसे 100% पजीराई मिलेगी, और अगर अवाम तक आपका मैसेज पहुंच जाता है तो वो फिर इन जो ये भारतीय कह लीजिए आप या कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए, मैं ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भारत का दोस्त है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, या कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में भारत के लिए हमदर्दी है उसे पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है। ये आप इस आवाज को बुलंद करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि आपकी आवाज में हम आवाज मिलाएंगे। शाइस्ता साहिबा, महज कुछ भारतीय एजेंट्स को गिरफ्तार करके पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की सरकूबी का ख्वाब देखना अकलमंदी हो सकती है, खुसूसन उस वक्त के जब दुश्मन एडवांसमेंट के मूड में हो? और क्या बैन अल्कवामी ताल्लुकात बहसियत एक सब्जेक्ट इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन पेश करता है? मेरा ख्याल है कि देखिए, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मैं नहीं समझती कि बहुत ज्यादा यानी उसको क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि एट एवरी लेवल हमें इस मामले को एड्रेस करने की जरूरत है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि इससे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक जो रो शुरू हो जाएगी और इसके बाद यकीनन होगी भी, वो भी निकालेंगे आपके, एक्सपेल करेंगे उस इस मामले को, ये बहुत हाईलाइट होगा, अभी ज्यादा बढ़ेगा, यानी मतलब मेरा ख्याल इंटरनेशनल लेवल पे। मगर मैं ये समझती हूँ कि इंडिया को एट एवरी लेवल वी हैव टू एड्रेस इंडियन इंटरवेंशन, यानी न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे बल्कि अनऑफिशियल लेवल पे जिस जिस जगह पे भी इंडियन इंटरवेंशन है। मैं ये समझती हूँ कि जैसे अभी हुकूमत ने ठीक है देर से पॉलिसी लिए अडॉप्ट की है मीडिया पे जो इंडियन चैनल्स और इंडियन ड्रामे और जो जो एक्टिविटीज थी उसको उसके ऊपर उसको रोका है, तो इसी तरह से बहुत सारे सोशल सोसाइटी लेवल पे, सिविल सोसाइटी लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे और मुख्तलिफ और जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी इंडियन इंटरवेंशन नजर आती है उसको रोकना बहुत सख्त जरूरी है। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तो अगर आप देखें कि ये तो बहुत ही सीरियस लेवल की वायलेशन है वियना कन्वेंशन की, और पाकिस्तान इस मामले को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान का ये बड़ा लीगल राइट है, ये दोनों ट्रीटी के मेंबर हैं, आर्टिकल 41 आर्टिकल 9 दोनों के तहत पाकिस्तान आसानी के साथ ये एक्शन ले सकता है और इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। यानी ये ऑफिशियल लेवल पे अगर आपके हाथ में कोई चीज आ गई है तो उसको हाईलाइट करें, अनऑफिशियल लेवल पे भी करने की बहुत सख्त जरूरत है मेरे ख्याल है। नाजरीन, तारीख गवाह है कि मुसलमानों को अपनी कमजोरियों के बायस मैदान जंग में शिकस्त का मुंह देखना कम ही नसीब हुआ है। अलबत्ता शिकस्त की अक्सर दास्तानें हमारी अपनी सफों में मौजूद गद्दारों ने खुद हमारे ही लहू से तहरीर करने में अग्यार की मुआवनत जरूर की है। जरूरत इस अम्र की है कि इन गद्दारों की बाकियात को भी ढूंढ ढूंढ कर निशाने इबरत बना दिया जाए ताकि फिर कभी कोई मीर जाफर कम अज कम अर्ज पाकिस्तान में पैदा होने की जरूरत ना करे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।